Good evening, everyone. How are you doing? Batch of 2022, the 2022 term 2, 2022. Good evening. Mechanism of evolution ke saath hi. We have also have to do certain parts which were remaining in the last class, homologous analogous organs, certain evidences of evolution. Par wo karte hi, ye wala topic aaj khatam ho jayega. And then, kal hoga isi topic ka ek mega test. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एवोल्यूशन मैं आपको कल करवा दूंगी. अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग सब? तो चलिए फटाफट अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग अ नैनो सेकंड. आगे बढ़ चलते हैं और फटाफट से ये सारा टॉपिक खत्म कर लेते हैं. गुड इवनिंग, कैसे हैं? हाउ कोल्ड इज इट आपके घरों के आसपास? मौसम कैसा है? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कैसे हो? सब कुछ बढ़िया है? मजे में? थ्रो एवरीबॉडी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो लेट्स गो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. लेट्स गो, लेट्स फिनिश दिस टॉपिक ऑफ माय इंस्टा आईडी इज वाणीसुपर वेदांतु. तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि वहां भी आप लोग पहुंच जाएं. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, गेट इन टच विद मी. आज मैंने कम से कम सुबह से पता है पूरा दिन आई जस्ट आंसर्ड योर टेलीग्राम मैसेजेस और शाम तक मैंने कोई 1700 टेलीग्राम मैसेजेस के जवाब दिए हैं. राइट? अरे वाह. तो कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी होता है, जस्ट लेट मी नो. बायो की बुक आने वाली है, एक्सपिरेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के कल एमसीक्यूज करवाऊंगी. ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3 होगा और कल एवोल्यूशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे. डन डन डन. करें फिर स्टार्ट फटाफट. यस एवरीबॉडी, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए. मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग. और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बता दो, क्लास 12th के नीट के प्रो मेंबरशिप का आज लास्ट डे है. सारे लाइव कोर्सेस क्लास में, अनलिमिटेड डाउट्स, पीसीबी के लेक्चर्स, अनलिमिटेड प्रो मेंबरशिप में माइक्रो कोर्सेस, इंग्लिश हिंदी सेपरेट बैचेस, 10,000 प्लस एमसीक्यूज, 5,000 प्लस आवर्स ऑफ स्टडी. प्राइस देख लो. आज लास्ट डे क्या लास्ट फ्यू आवर्स है. 500 रुपए भी नहीं है बेटा, वन इंटायर मंथ प्राइस. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, जाओ फटाफट आ जाओ रेगुलर क्लासेस में. 0.94 रुपीस पर आवर, एक रुपए भी नहीं है. सो व्हाट्स द कोड ब्रो? इट्स सिंपल, बीडी प्रो. कल क्या, आज रात को 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी. सच ए क्यूट फोटोग्राफ. आइडेंटिफाई करो क्या है. ईयर्स देखो और आइडेंटिफाई करो ईयर्स को देखकर. गाइस कैन यू ऑल हियर मी एंड सी मी? यस. एवोल्यूशन टर्म 2 से हट चुका है मेरे बच्चों, पर एवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. टर्म 2 में तो नहीं आएगा, नीट में तो आएगा. चलो आ जाओ एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन. अभी मैंने बताया था सबसे पहले हमें फॉसिल्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था याद करो. तो मैं किसी फॉसिल को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है अच्छा बस आज ही क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद सारा टर्म टू का सिलेबस है, टेंशन मत लो बेटा. पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना मेरे चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू रुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, ये जो है ना ये पक्का नीट में आएगा. तो सबसे पहले मैंने आपको फॉसिल्स पढ़ाए थे कि फॉसिल देख लिया अगर मैंने कोई तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसे इवॉल्व हुआ है. राइट? जैसे हॉर्स है, हॉर्स का पूरा फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास है. हमें कैसे पता चला कि रेप्टाइल से बर्ड्स आए? जूलियन हक्सली ने बोला दैट बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स. कैसे? क्योंकि मैंने आर्कियोपेट्रिक्स का फॉसिल देख लिया, उसके पास क्लॉज भी है, उसके पास बीक में टीथ भी है. राइट? और विंग्स भी है. तो मुझे पता चल गया कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. बट क्योंकि वो अभी तक प्रेजेंट नहीं है इसलिए मैं उसको मिसिंग लिंक कहती हूँ. इसके बाद मैं एनाटॉमी देखती. राइट? आई लुक एट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनाटॉमी. जब मैं देखती हूँ कि बॉडी का इंटरनल पार्ट्स कैसे हैं, इसे कहा जाता है टेक्टोलॉजी. राइट? कई बार कई कैरेक्टर्स बहुत अलग हो जाते हैं और कई बार कई कैरेक्टर्स बहुत सिमिलर हो जाते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू सो मच इबन देसिका, थैंक यू सो मच. पे अटेंशन ना. राइट? तो इनके बेसिस पे हमने कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया. कई तो बहुत सेपरेट हो जाएंगे कैरेक्टर्स और कई बहुत सिमिलर.
तो पहले आते हैं होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स पे. पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीपांशी, बच्चे इसलिए कम है क्योंकि टर्म टू का सिलेबस नहीं है ना, तो बच्चों को लगता है टर्म टू कराओ, पर बेटा ये नीट में आता है, ये नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट पढ़ लो. टर्म टू में ना भी आए पर ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो आ जाओ. नीट में आएगा, टर्म टू में ना भी आए चलेगा. सबसे पहले आ जाओ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन में. होमोलोगस का मतलब क्या होता है? अगर किसी का सेम स्ट्रक्चर है राइट, बट डिफरेंट फंक्शन है, तो मैं उसे होमोलोगस कहूंगी. मतलब अगर मैं आम की बात लूं तो इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस होंगे. बट चीता में ये रनिंग का काम करता है, ह्यूमन में ये डेक्सटेरिटी पेन को होल्ड करने का काम करेगा, वेल में ये बैट में उड़ने का काम करेगा, वेल में फ्लिपर का काम करेगा, सो बर्ड्स में ये फ्लाई करने का काम करेगा. पर ये इंटरनली किसका बना हुआ है? इंटरनली बना हुआ है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. दैट मीन्स सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि इनके एंसेस्टर्स किसी जमाने में सेम थे, पर सेम होने की वजह से ये सेम है. इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस है, बट सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए. This is called as adaptive radiation. सब अलग अलग हो गए. जिसने जो जो काम करना था वैसे वैसे अलग हो गए. जिसने फ्लिपर का काम करना था, किसी ने फ्लाइंग का काम करना था, किसी ने पेन होल्डिंग का काम करना था, दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन. एक पॉइंट ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, एक पॉइंट से ये डाइवर्ज कर गए. दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. इज दैट क्लियर? Divergent evolution. Is that clear, everybody? Perfecto, the giletto, the villetto. Let us now move forward. Homologous organs ke example kaun hai? Dikh raha aapko humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges. To whales mein flipper, bats mein flying, cheetah mein running, human. Sab mein kya hai? Humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges. But sab ka kaam alag alag hai. Bougainvillea ka thorn aur cucurbita ka tendril. Kal main ispe question poochungi. Ek mein thorn hai. Kahan se nikal rahe? Leaf ke axil se. Leaf ke corner se nikal rahe. But dono mein kaam alag alag hai. सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन. सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन. यहां से निकलेंगे, एक में थॉर्न निकल जाएगा, एक में टेंड्रिल निकल जाएगा. पोटैटो एंड जिंजर दोनों किसकी मॉडिफिकेशन है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, स्टेम की मॉडिफिकेशन है. रेडिश एंड कैरेट किसकी मॉडिफिकेशन है? रूट की मॉडिफिकेशन है. एम आई राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन. में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? होमोलोगस, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, नंबर वन एमसीक्यू व्हिच कम्स इन द एग्जाम. नंबर टू कौन सा आता है? थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरविता. अब आ जाओ एनालोगस. डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, उल्टा कर दो. रिचर्ड ओएन ने टर्म को कॉइन किया था, होमोलोगस टर्म को कॉइन किया था. डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, उल्टा कर दो. अगर कभी आपने बर्ड्स के विंग्स देख लिए, तो बर्ड के विंग में तो आपको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस दिखेंगे. पर इंसेक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि बर्ड में इट इज अ फोर लिंब. पर इंसेक्ट में लिंब नहीं होता, बट फंक्शन है सेम. क्या फंक्शन है बता दीजिए? फ्लाइंग. मॉर्फोलॉजी मे और मे नॉट बी सिमिलर, एनाटॉमी इज डिफरेंट, बट ये कन्वर्ज कर रहे हैं. वहां पे एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था, यहां पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है. दोनों के दोनों हेल्प करेंगे फ्लाइंग में. किसमें हेल्प करेंगे दोनों? फ्लाइंग में. किसमें? फ्लाइंग. Is that clear? Wings of butterfly and analogous to wings of bat and bird. Bat and bird ke paas kya hai? Humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges. Write it on the chat section. Bat or bird ke paas kya hai? Humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges. Butterfly ke paas nahi hai. Penguin bird hai. Dolphin mammal hai. Bird and mammal. Flipper. Different structure, same function. स्वीट डिफरेंट स्ट्रक्चर. स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन 100% एमसीक्यू में आएगा. आइपोमिया पटाटास, रतालू, स्वीट पोटैटो, रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन,
सोलेनम ट्यूबरोसम, पर दोनों एक ही काम करते हैं, सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, फंक्शन क्या, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, डन, चले आगे। इस चैप्टर पे मैं बहुत डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, पहले अभी इतना पढ़ाऊंगी, जब नीट का एग्जाम पास आएगा इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब आगे बढ़ते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहते हैं? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहते हैं कि बेटा जब भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बराबर से काम चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स एलील फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, पर अगर चेंज हो गया, अगर ह्यूमन बींग्स, अब सारे ह्यूमन बींग्स है बिल्कुल बराबर से काम चल रहे, बट अगर सुपर ह्यूमन आ गए, अगर सुपर ह्यूमन आ गए, उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है सुपर? दैट मीन्स कोई एलील फ्रीक्वेंसी चेंज, या तो उनका ब्रेन चेंज हुआ है, या उनका बॉडी का अपीयरेंस चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है ना प्रिंसी। That means अगर हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, that means एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो जेनरेशन कॉन्स्टेंट है। मान लीजिए सबका स्किन कलर है बिल्कुल इक्विलिब्रियम चल रहा है, राइट, व्हीटिश स्किन कलर में, फेयर स्किन कलर में, म्यूलेटो स्किन कलर में, निग्रोइड स्किन कलर में इक्विलिब्रियम, सडनली चेंज होता है, सारे निग्रोइड बन जाते हैं, दैट मीन्स या तो मेटिंग बदली है, सोचो, दैट मींस हो सकता है म्यूलेटो को मेट ना करने दिया और रैंडम मेटिंग अलाउड नहीं की है, म्यूलेटो को हो सकता है मेट ना करने दिया हो सकता है एल्बिनो को मेट ना करने दिया हो, बिकॉज एल्बिनो एंड म्यूलेटो आर नॉट मेटिंग, दैट इज व्हाई सडनली निग्रोइड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड द इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन। एवरीबॉडी इन द पॉपुलेशन हैज टॉल हाइट 50 पीपल, शॉर्ट हाइट 50 पीपल, नॉर्मल हाइट 50 पीपल, सडनली यू सी ओनली शॉर्ट हाइटेड पीपल आर देयर इन वन जनरेशन, दैट मीन्स द नॉर्मल हाइटेड एंड टॉल हाइटेड पीपल वर नॉट अलाउड टू मेट, और सडनली फ्रॉम समवेयर अ लॉट ऑफ टॉल हाइटेड पीपल केम, और सडनली फ्रॉम दैट पॉपुलेशन ऑल द शॉर्ट एंड मीडियम हाइटेड पीपल वेंट आउट। सो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1. 1 स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, राइट, यू ऑन द चैट सेक्शन, दोज ऑफ यू अंडरस्टूड, 1 इज इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट नेटवर्क, राइट, यू ऑन द चैट सेक्शन प्लीज, डिड यू गेट माई पॉइंट एवरीबडी? बट P और Q में अगर कोई चेंज हुआ है, दैट मींस अगर जीन्स की एलील्स में, जीन्स में कोई भी चेंज हुआ है, तो वो इक्विलिब्रियम 1 नहीं रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस आफरीन? वो इक्विलिब्रियम 1 से चेंज हो जाएगा। द जीन पूल, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंट। एलील क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अगर मैं कह दूं कि अल्टरनेट फॉर्म्स, ब्लड ग्रुप पॉपुलेशन में बी है, ए है, ए बी ओ है, चारों है, एलील्स है ना, आई ए आई बी आई ओ आर एलील्स, ए ब्लड ग्रुप भी है, बी ब्लड ग्रुप भी है, ए बी भी है, ओ बी है, दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेटरोजाइगस, सब मिलकर बराबर 1। सडनली अगर हम कहें यार 100 ईयर्स बाद हम देखें सारा पॉपुलेशन टुवर्ड्स ओ चला गया, मतलब स्पीसिएशन हुई है, नई स्पीशीज बन गई है, क्योंकि ए चला गया, बी चला गया, ए भी चला गया, सिर्फ ओ बच गया, दैट मींस एक नई स्पीशीज आई है। स्पीसिएशन तब होगी जब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा। आज के डेट में पॉपुलेशन में ड्वार्फ पीपल भी है, मीडियम हाइटेड पीपल भी है, टॉल पीपल भी है, सडनली आफ्टर 50 इयर्स आपको दिखते सिर्फ ड्वार्फ है ना, टॉल पीपल है ना, शॉर्ट, दैट मींस अगेन स्पीसिएशन हुआ है, न्यू स्पीशीज। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं होगा, दैट मींस नई स्पीशीज बन रही है। अगर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, दैट मींस देयर इज नो न्यू स्पीशीज। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। PQ2PQ का इक्वल 1 है। अगर PQ2PQ इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मींस देयर इज अ चेंज, दैट मींस देयर इज अ स्पीसिएशन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? सारी फ्रीक्वेंसीज 1 होनी चाहिए, दैट मींस इक्विलिब्रियम है। अगर ये 1 से डेविएट होती है, दैट मींस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, स्पीसिएशन हो रही है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इफ इज नॉट इक्वल टू 1 प्रिंसी, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मींस स्पीसिएशन इज हैपनिंग। अंडरस्टूड? डोमिनेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं पी, रिसेसिव के लिए वर्ड यूज करते हैं क्यू।
हेट्रोजाइगस के लिए वर्ड यूज करते हैं PQ, डोमिनेंट रिसेसिव हेट्रोजाइगस मिलकर होना चाहिए वन। अगर डोमिनेंट रिसेसिव और हेट्रोजाइगस वन नहीं है तो स्पीसिएशन हो रही है, और वो स्पीसिएशन होगी एवोल्यूशन की वजह से। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। एम आई राइट? समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हो? ह्यूमन एवोल्यूशन पे भी आने वाली हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लाइज है 500। ब्लैक कितनी दिख रही है? डोमिनेंट 320। रिसेसिव कितनी? हेट्रोजाइगस कितनी है? 160। रिसेसिव कितनी है? 20। डोमिनेंट आउट ऑफ 500 परसेंटेज कितनी है? जीरो टाइम फ्रीक्वेंसी 0.64। इसकी कितनी है हेट्रोजाइगस की? 160। टोटल कितनी है? 500 ना, तो 160 और 500 0.32। रिसेसिव की कितनी है? इतनी। समझ आ गया? 1000 में एलील कितनी है? 640। इसकी कितनी है? 320। 160 इसकी, 160 इसका, 320 बन जाएगा ना। 160 कैपिटल, 160 स्मॉल। इसकी कितनी है? 40। यस और नो? यस, 1000 एक तो 40। डोमिनेंट कितनी हो गई? 640 प्लस 160 कितना हुआ? 800। कितना इजी है, हमेशा कंफ्यूज होते हो एंड नीट में आएगा। 640 प्लस 160 800 बाय 1000, डबल कर दिया ना बेटा। इधर फ्लाई 500 है, डिप्लॉयड होती है ना बेटा, डिप्लॉयड, तो एलील कितनी होगी? 1000। पीयूष बेटा समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? तो डी कैपिटल डी कितना होगा? इधर से भी तो आएगा 160। स्मॉल डी कितना होगा? 160 प्लस 40 200। कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी 0.8, स्मॉल कितना लगता है मुश्किल देख लो। कैपिटल डी ये यहां ऐड होगा, स्मॉल डी यहां ऐड होगा। यस और नो? मैम अब रेगुलर क्लास लीजिए। हैं रेगुलरली तो लेती हूँ रोज शाम को 9 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे। यस और नो? रेगुलर क्लास का मतलब क्या हुआ आपके? क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है? तो 80% कैपिटल है। पी पी क्या बोला था मैंने? डोमिनेंट। 20% रिसेसिव है। टोटल हो गया 1। 0.64 प्लस 0.32 प्लस 0.04। अगर 1 से डेविएट होगा, अगर 1 से डेविएट होगा, यस आती इसके बाद बेटा नॉर्मल चैप्टर ही चलेगा बेटा, डोंट वरी। अगर 1 से डेविएट होगा इसके बाद, ये मैं ऑर्डर से चल रही थी ना बेटा, इसलिए ये चैप्टर आ गया। यस अगर 1 से डेविएट होगा दैट मींस स्पीसिएशन हो गया, चेंज हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम: जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, नेचुरल सिलेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, ये करा देती हूँ, चैप्टर आज खत्म है। कल सिर्फ इसके एमसीक्यूज हैं, परसों से आपका क्लास 12 टर्म 2 शुरू है। ओके, क्यों नहीं समझ में आया बेटा? इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान तो सच में कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने आपको बता दिया दैट 320 जो फ्लाइज है, 320 वो आपकी ये है कैपिटल, तो 320 आउट ऑफ 500 मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.64। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव 160 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0.32 आउट ऑफ 500। और डबल रिसेसिव सिर्फ 20 है, 20 आउट ऑफ 500 इनकी फ्रीक्वेंसी होगी इतनी। नंबर ऑफ एलील 500 फ्लाइज है अगर, तो 1000 एलील क्या होगी? डबल डिप्लॉयड 500। एक जीन के दो ऑल्टरनेट्स होते हैं ना, तो 640 0.32 320 हो गया, पर 320 किसका हुआ? कैपिटल डी,
स्मॉल डी, 160 कैपिटल डी, 160 स्मॉल डी, इसका कितना हो जाएगा 40। कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 640 इधर से आए और 160 इधर से आए, 800 आउट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 0.8। 40 इधर से आ रहा था स्मॉल डी, 160 इधर से आ गया 200.2 डी। तो ये कैपिटल डी 0.8, 0.2। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो पी स्क्वायर क्या है बेटा 64, क्यू स्क्वायर राइट, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, एट था ना, इतना कंफ्यूज क्यों, तो एट और टू था, दिख रहा है एट और टू, पी स्क्वायर 8, 8, 64। क्यू स्क्वायर 2, 2, 4, 2pq, 8, 2, 16, 16, 2, 32 इक्वल टू 1, राइट, इक्वल टू 1 नहीं होता, इज दैट क्लियर, यू विल बी अभिज्ञान। अब क्या क्या है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, क्या क्या है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को काम करने नहीं देता, कुछ तो होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, मतलब अगर आपके पास 100 रुपए तो 100 होने चाहिए, मान लो 50 रुपए किसी को दान दे देते हो, क्या आपके पास 100 रुपए रहेंगे, अगर आपने अपने 50 रुपए किसी को दान दे दिए, जीन फ्लो इज जीन्स चली गई बाहर, एग्जिट हो गया पॉपुलेशन से, एमिग्रेशन, या पॉपुलेशन में आ गया, आपके पास 50 रुपए आ गए, एंट्री हो गई, इमिग्रेशन। सो जीन फ्लो का मतलब है, जीन फ्लो का मतलब होता है या तो पॉपुलेशन से बाहर चले जाना या पॉपुलेशन में आ जाना, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, मेंटेन नहीं होता। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट सडन चेंज, सडन, आप चल रहे थे सड़क पे लहलहाते हुए 500 रुपए जेब में लेके, दादी माँ ने दिए थे, जा घूम फिर के खा पीकर मूवी शूवी देखकर आ जाओ, 83 मूवी आई है बड़ी मजेदार, पीछे से आपका कोई फोन चोरी कर लेता है और पर्स चोरी कर लेता है, अब गए हो काम से, जेनेटिक सडन चांस, बाय चांस, सडन चांस इवेंट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अंडरस्टूड हो, क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। चल बहुत सारे बीटल्स हैं या बहुत सारे डियर हैं, वो एक वैली में रहते हैं और वहां उस वैली में आग लग गई, बाय चांस जेनेटिक ड्रिफ्ट, सबकी पॉपुलेशन खत्म हो गई, जीन्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई, म्यूटेशन सडन चेंज, रैंडम मेटिंग, राइट, रैंडम मतलब टॉल शॉर्ट के साथ मेट कर रहा है, शॉर्ट टॉल के साथ कर रहा है, एवरेज हाइट शॉर्ट के साथ कर रहा है, शॉर्ट एवरेज हाइट के साथ कर रहा है, टॉल एवरेज, सब आपस में मेटिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ टॉल 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 मेटिंग कर रहे हैं और ड्वार्फ मेटिंग नहीं करेंगे और एवरेज हाइट मेट नहीं करेंगे तो सिर्फ टॉल लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेटिंग हमेशा रैंडम होनी चाहिए और नेचर किसी को भी चूज करेगा। सो व्हाट आर द 5 फैक्टर्स, जीन फ्लो राइट, एमिग्रेशन इमिग्रेशन, एमिग्रेशन इमिग्रेशन, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अगर सारी पॉपुलेशन चली गई एक जगह को छोड़कर, सारी पॉपुलेशन सब लोग माइग्रेट करके, तो ऑब्वियसली वहां का जीन्स कम हो जाएगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन चांस, म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग क्या करता है, एनीबडी कैन मेट विद एनीबडी, अगर मेटिंग सिलेक्ट करके होगी, चूज करके होगी, तो कुछ जीन्स चूज होंगी, कुछ जीन्स चूज नहीं होगी। और फाइनली नेचर करता है सिलेक्ट, विच इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। एक एक करके पढ़ाती हूँ, जीन माइग्रेशन, दिख रहा है एक क्रीम रैबिट ब्राउन बनी यहां है, तो ब्राउन जीन्स ब्लैक में ऐड हो रही है, ब्राउन जीन्स ब्लैक में ऐड हो रही है, दिख रहा है आप सबको, दैट इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन मूवमेंट। कैन यू सी दीज जीन्स आर गेटिंग एडेड, दैट इज जीन माइग्रेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन चेंज, सडन, पहले आपको किसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लग रही है, ग्रीन फ्रॉग्स, बाय चांस एक नेचुरल कैलामिटी होती है, पॉन्ड में टॉक्सिन आ जाता है, पॉन्ड में पॉइजन आ जाता है, उस पॉन्ड में सिर्फ ग्रीन फ्रॉग होते हैं, तो ग्रीन फ्रॉग की पॉपुलेशन 10 से रह जाती है सिर्फ 4।
पहले सिर्फ 10% होता है, अब ये 20% बन गया. So this is called as genetic drift. It is a change in the frequency. It is a sudden change. किसी population में suddenly हो सकता है. पहले brown 8 था और green 10 थे, अब green रह गए 4, brown रह गया सिर्फ 1. It is a sudden chance effect. It was discovered by a scientist जिसका नाम था Sewall Wright. फाउंडर पॉपुलेशन. अगर किसी जगह पर जो सबसे पहले जाएगा, क्या वो उस एरिया का फाउंडर होगा? जो जहां जाएगा वहां जाके कॉलोनीज बनाएगा, क्या वो उस एरिया का फाउंडर होगा? ये है पेरेंट पॉपुलेशन. इसमें से माइग्रेट कर रहे इतने, राइट? धीरे 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 ये रेड से ज्यादा पिंक हो गए. फाइनली नई जगह जाकर सिर्फ पिंक कहीं और जा रहे हैं, तो क्या फाउंडर पॉपुलेशन धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, पिंक बन जाएगी? या मान लो इंडिया से लोग चले जाते हैं और एक इंडियन ओशन में छोटा सा नया आइलैंड ढूंढते हैं, जो सबसे पहले वहां जाके उसको कॉलोनाइज करेगा, क्या वो वहां के फाउंडर्स होंगे जो एक नए हैबिटेट को कॉलोनाइज करेंगे, वहां का जीन पूल बनाएंगे? जो ये नए हैबिटेट पे जा रहे हैं, अगर ये ग्रीन बाइल के हुए तो नई पॉपुलेशन में ग्रीन बाइल होगा. जो भी अलील वो लेके जा रहे हैं नए एरिया में, वही अलील होगी. जो लोग जा रहे हैं अगर वो येलो बाइल वाले हुए तो नए एरिया में येलो बाइल होगा. Are you getting my point? अगर जो नए एरिया पे लोग जा रहे हैं अगर वो कर्ली बालों वाले हुए तो पॉपुलेशन सारी कैसी होगी पीयूष? कर्ली बालों वाली. जो नए एरिया में जा रहे हैं अगर वो स्ट्रेट बालों वाले हुए तो पॉपुलेशन कैसी होगी? स्ट्रेट. तो जो भी फाउंडर्स हैं, क्या उनकी जीन्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? यस. सडन चेंज, जनरली ये चेंज बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बेनिफिशियल होने का बहुत कम चांस है, बहुत डेंजरस होता है. नया फीनोटाइप बना सकता है, बहुत डेंजरस होता है. ये यूजुअली एटमिज्म कॉज करता है, हमें पीछे ले जाता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. म्यूटेशन एवोल्यूशन बहुत कम कराता है. अब कैसे कैसे होता है स्पीसिएशन? मैंने एक एक पॉइंट कवर किया है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, सिर्फ नीट में है, तो पॉइंट्स मैंने उस हिसाब से कवर किए कि आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सको. इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम की क्लासेस चाहिए तो आपको इसके बाद जो टॉपिक आपके 12 के बोर्ड एग्जाम का है, मैं सबसे पहले आपको वही टॉपिक्स करवा दूंगी. द आइसोलेशन. तो बेटा अगर आपने एक नई स्पीशीज बनाई है, देखो इधर येलो फ्लावर है, इसके बीच में इतना बड़ा माउंटेन आ गया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मेट नहीं कर सकते, इनके बीच में हो गई स्पीसिएशन, आइसोलेट हो गए. क्या हो गए ये आपस में? आइसोलेट माउंटेन की वजह से एक बहुत बड़ी रिवर आ गई. ये देखो इधर बीटल, इधर बीटल. अब ये आसपास तो नहीं जा सकते क्योंकि रिवर आ गई बहुत बड़ी. अब ये दोनों आइसोलेट हो गए. आइसोलेट होने के बाद ये अपनी अपनी अलग अलग तरह से स्पीसिएशन करेंगे, राइट? हो सकता है इकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है कोई ज्योग्राफिकल बैरियर हो, फिजियोलॉजिकल हो, बिहेवियरल हो, जेनेटिक हो, मैकेनिकल हो, कोई भी बैरियर हो सकता है. आया समझ में? यस. नीट के बगैर डॉक्टर नहीं बन सकते सुहेल बेटा. So these are various barriers. Behavioral क्या होगा? एक organism सुबह mating के लिए उठता है, एक रात को foraging करता है, hunting करता है, mating करता है, behavioral, right? Physiological body, एक nocturnal है, right? एक diurnal है, एक दिन में जागता है, एक रात को जागता है, या एक homeotherm है, warm blooded है, उसको बिल्कुल भी hibernation estivation की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरा poikilotherm है. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग methods हैं.
सबसे पहले बात करूंगी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की. इट इज द प्रिवेंशन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, ताकि आपस में वो रिप्रोड्यूस ही ना कर सके. जब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो दोनों अलग अलग नई स्पीशीज बनाएंगे, क्योंकि वो अपनी वेरिएशंस को एक्यूमुलेट कर लेंगे. सी अर्चिन्स डू नॉट मेट. सी अर्चिन्स आपस में मेट नहीं करते, वो अपने गैमेट्स को ओशन में छोड़ देते हैं, जहां पे वो जाइगोट बनके लार्वा में बनते हैं. राइट. इनके जो गैमेट्स हैं पर्पल और रेड वाले के, वो आपस में इनके गैमेट्स इनकंपैटिबल होते हैं, मेंटेनिंग स्पीशीज इंटेग्रिटी. अलग अलग स्पीशीज ताकि बनी रहे. ये देखिए, ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज से ऑरेंज कलर की, एक ऐसी बन गई, एक ऐसी बन गई, ऐसी बन गई. आपने ये देखा होगा डार्विन्स फिंचेस के केस में, जो गैलापागोस आइलैंड में हुआ, कि एक पेरेंट फिंच थी, अलग अलग आइलैंड पे चली गई. आइलैंड पे जैसे जैसे जो जो खाने को मिला, और आइसोलेट हो गई क्योंकि ओशन बहुत बड़ा था बीच में, जिस जिस आइलैंड पे जैसे जैसे जो जो खाने को मिला उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को नई स्पीशीज में ढाल लिया. इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. अच्छा एक बात बताओ, क्या ये टॉपिक मैं तब कराऊं जब आपके नीट का एग्जाम पास में हो, ताकि आपको याद रहे? वेरी सून सुन. क्या ये टॉपिक यस प्रिंसी, मतलब ये मार्च अप्रैल के बाद कराऊं, अभी आपको नीट थियरी ज्यादा कराऊं? बताओ, आप लोग बताओ. यस मैम. फिर भूल जाएगा क्योंकि बोर्ड में तो आ नहीं रहा है ये. ओके राहुल. यस प्रिंसी, इट विल बी गुड दैट टाइम. ओके आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट मोस्ट ऑफ यू हैव बीन बंकिंग एवोल्यूशन लेक्चर्स, एंड एनीवेज वी आर डूइंग दिस, हमें बाद में तो ये करना ही पड़ेगा. व्हाट से? तो फिर कल टेस्ट किसका लूं? फुल सिलेबस ले लूं? बायोटेक्नोलॉजी नो धान्य, आई विल डू दैट. अभी बहुत यार, पता है क्या है होता है, फिर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे, बाकी बच्चे आ नहीं रहे, उनका नुकसान हो जाएगा. बहुत नॉटी बच्चे हैं ऐसे, एकदम मतलब गला फाड़ फाड़ के सर्दियों के मौसम में मैम चिल्ला रही है. बायोटेक इकोलॉजी है ना, फुल बायोटेक का टेस्ट कैसे ले लूं जब मैंने पढ़ाया नहीं है कुछ. ठीक है, तो आज के मेन कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि मैं कल केवल मैंने इसका टेस्ट प्लान किया हुआ था. तो फिर एक काम करते हैं, इसका मैं इसको एक बार फिनिश कर देती हूँ, इसको यहीं पे फिनिश कर लेते हैं. इसको मैं दोबारा कंटिन्यू कर लूंगी जब आप लोगों को ये टॉपिक करना है, और जिसको ये देखना होगा रिकॉर्डिंग्स तो है ही, तो फिर मैं आपका बायोटेक स्टार्ट करवाती हूँ. ठीक है, कल टेस्ट किसका लूं सोचना पड़ेगा. चलो कुछ तो करती हूँ. ओके बाय, टेक केयर, बाय देन गाइस, बाय.